हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। नया साल आ गया है तो गिफ्ट देना तो बनता है, तो वहीं पर हमने अराउंड 4 से 5 ऐसी स्ट्रेटजी आपके लिए तैयार की है जो आपको कहीं नहीं दिखेगी, और बाय द वे कहीं दिख भी गई तो जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका बताऊंगा, और साथ में सिर्फ बताऊंगा नहीं, एक गुड न्यूज पहले दे देता हूं कि सिर्फ हम बता के जाने वाले नहीं है। जल्दी से इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए और जो स्ट्रेटजी मैं सिखाऊंगा उसमें कोई भी क्वेरी हो हमारे इंस्टाग्राम में डीएम कीजिएगा, हमारी टीम हेल्प करेगी। न्यू ईयर का गिफ्ट कैसा लगा? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी स्ट्रेटजी यूट्यूब पे देखते हैं बट उसको सही तरीके से यूज क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो ये जो 4 से 5 वीडियो हम बनाने वाले हैं स्ट्रेटजी की, उसमें हर वीडियो के लिए जो भी सपोर्ट आपको चाहिए, जो आपको डाउट हो, आप इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछिएगा और हमारी टीम आपको पूरा रिवर्ट करेगी, जिससे आप ये 4-5 स्ट्रेटजी को अच्छे से सीख पाएं, रियल यूज कर पाएं और कमा पाएं। यही है भाई वाली छोटी सी कोशिश। और ये जो 4 से 5 वीडियो की स्ट्रेटजी हमने आपके लिए तैयार की है, हर वीडियो पे कम से कम 10,000 लाइक चाहिए तभी हम दूसरी वीडियो को ला पाएंगे, क्योंकि आपका प्यार हमें मोटिवेट करेगा बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने के लिए, और उसके लिए सिर्फ आपका 1 लाइक काफी है। तो आज हम जानने वाले हैं ऑप्शन की स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जिसका पीपीटी भी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, जिससे आप कुछ भी भूले नहीं, घर जाकर प्रैक्टिस कर सकें और हमसे हेल्प लेकर ग्रो कर सकें, सीख सकें। न्यू ईयर महाधमाका ऑफर 10 जनवरी की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, जो ऑफर कभी नहीं मिला। जी हाँ, 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए, फ्यूचर और ऑप्शन की बेहतरीन दुनिया सीखेंगे, जिससे सीख कर कमाएंगे, चाहे इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो। देखिए, ट्रेडर लॉस कर रहा है सिर्फ टिप्स के पीछे। 5,000 रुपए का रोज लॉस करके ट्रेडर 6 महीने 1 साल में मार्केट से बाहर हो रहा है, लेकिन एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके जिंदगी भर कमा सकते हैं। रोज लॉस करना है या जिंदगी भर कमाना है, विचार आपको करना है। तो यहां पर ये जो स्ट्रेटजी हमने स्पेशली लाई है ऑप्शन सेलिंग अप्रोच के लिए लाई है, जहां पर निफ्टी बैंक निफ्टी में आप काम कर सकते हैं। और उसमें सबसे मजेदार चीज क्या है, ट्रेंडिंग मार्केट में तो सब कोई काम करता है, बट साइडवेज मार्केट में कैसे बेहतरीन काम होता है ये बताने वाले हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, कम फंड में कैसे काम होता है वो भी बताने वाले हैं। और तीसरी बात, स्टॉक में काम नहीं करना है, ये सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। तो याद रखिएगा कि हम यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में से काम करते हैं, बट दोनों के रूल रेगुलेशन अलग है। ये नहीं कि मैं निफ्टी का बताने लगूं तो दिमाग में ये बैठा लीजिएगा कि बैंक निफ्टी का भी रूल सेम है। नहीं, मैं निफ्टी का जो रूल बता रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के लिए है, बैंक निफ्टी का रूल एकदम अलग है। वरना बाद में आप मुझे ब्लेम करोगे सर कि मैंने बैंक निफ्टी पे काम किया और लॉस हो गया, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 1 by 1 चीजों को देखते हैं, समझते हैं, तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके मोटिवेट कर दीजिए, और भैया कम से कम 10,000 लाइक तो बनता है, तभी हर एक स्ट्रेटजी को लाने का मोटिवेशन बनता रहेगा। और उम्मीद करता हूं जो पहले की स्ट्रेटजी हम बना चुके हैं उसको आप देख चुके होंगे, और नहीं देखे हो तो जल्दी से देख लीजिए। तो जैसा कि हमने बताया, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे काम करती है सिर्फ और सिर्फ, जहां पर इसका पोटेंशियल है साइडवेज मार्केट। तो अब सवाल आता है कि अप्लाई करने का कंडीशन क्या है। तो यहां पे फोकस करना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जब साइडवेज मूव में फंस रही है। अब आप कहोगे कि साइडवेज मूव तो आइडेंटिफाई करना क्रूशियल है, तो चलिए उसको आसान करते हैं। तो सबसे पहले हम डे टाइम फ्रेम में इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो अब डे टाइम फ्रेम में तो यूज करेंगे, बट इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, मतलब अप ट्रेंड के सिनारियों में कैसे होगा, डाउन ट्रेंड के सिनारियों में कैसे होगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि बिगनर्स के लिए मैंने प्रेजेंटेशन को लिख भी दिया है स्क्रीन पर कि आपको दिक्कत ना हो। अप ट्रेंड के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट में निफ्टी क्या है, एक अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड में होने के बाद साइडवेज मूवमेंट करती है, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली मार्केट एक अच्छी रैली के बाद कहीं ना कहीं साइडवेज करता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर अभी निफ्टी कहाँ साइडवेज हो रही है, एक्सेप्शनल को छोड़ दीजिए, 100 बार में 80 बार क्या होता है उस पर फोकस करना जरूरी है, राइट है। 20 बार तो हमेशा एक्सेप्शनल होता है, तो उन सब सारे सीक्रेट सिनारियो पे हम आएंगे। तो सबसे पहले हमें फोकस करना है कि निफ्टी एक अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड के बाद क्या होता है, एक साइडवेज आती है, कुछ दिन के बाद आती है, तो कितने दिन के बाद आती है मोटा मोटा वो भी बताएंगे, जिसको आप चार्ट से चेक कर सकते हो। तो यहां पर जब वो साइडवेज में आती है तो हम यहां सेल करते हैं आउट ऑफ द मनी, यानी ओटीएम कॉल 100 पॉइंट अबव द रिसेंट हाई, यानी समझो आज अभी ट्रेड करना है तो जो हाई लगा है उसके 100 पॉइंट के ऊपर में ओटीएम को, ठीक है। और वहीं पर साथ ही साथ हम हेज कर लेते हैं अपनी पोजिशन को, कैसे, बाइंग अ कॉल विद द प्रीमियम ऑफ 10 to 12 rupees, यानी एक कॉल को बाय करते हैं प्रीमियम ऑफ 10 to 12 rupees। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ऑप्शन
जो हमें लेनी है वो रीसेंट एक्सपायरी की लेनी है। याद रखिए मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है, बट जो उसमें बारीक बारीक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ना, ट्रेडर कभी उस पर फोकस नहीं करता है। लेकिन जब तक सारे एक एक पॉइंट को एक साथ नहीं मिलाएंगे कभी रिजल्ट नहीं आएगा। और यही वो रीज़न होता है जहाँ पे लोग यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट देखते हैं बट रिजल्ट नहीं ले पाते। तो आई विल रिक्वेस्ट, अगर आपको सही में फ़ायदा लेना है तो एक एक पॉइंट को जो मैं जोड़ रहा हूँ उसको एज इट इज़ ही यूज़ कीजिएगा, और लास्ट में मैं इसको लाइव भी दिखाने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड सिनारियो की। तो निफ्टी डाउन ट्रेंड में होगी, तो जैसा कि मैंने बताया, जैसे कि अप ट्रेंड में जाने के बाद कुछ दिन के बाद साइडवेज होती है, वैसे ही अगर डाउन ट्रेंड चलता है तो कुछ दिन के बाद साइडवेज होती है। ठीक है, तो उस साइडवेज होने के बाद हम क्या करते हैं, एक ओटीएम का पुट सेल करते हैं 100 पॉइंट बिलो द रेसेंट लो। यानी एग्जाम्पल के लिए अभी हमें लगता है सेल करना साइडवेज मार्केट में, तो जो आज का लो है उससे 100 पॉइंट नीचे वाला ओटीएम पुट सेल करते हैं, और वहीं पर हेज करते हैं रिस्क को जहां पर हम पुट बाय करते हैं प्रीमियम ऑफ 10-12 रुपीस के प्रीमियम वाला। ठीक है, अब यहां पर फिर से वही कहानी है कि दोनों ऑप्शन बिलोंग करेगा मोस्ट रीसेंट एक्सपायरी से, यानी जो एक्सपायरी हमारे सबसे नजदीक खड़ा है वो वाला, ना कि कोई दूर वाला। अब यहां पर आप कहोगे स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, इसके लिए हम ऑप्स्ट्रा बिल्डर टूल यूज करते हैं जो मैंने बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैक्सिमम लॉस जो डिटरमाइन होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेशन जिसके लिए हम वहां पर चलेंगे, लास्ट में सब कुछ वन बाय वन जो आप अगर बिगिनर हैं तो कैसे करना है वो सब दिखा। टारगेट के लिए हम पोजीशन को होल्ड करते हैं जब तक कि मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव नहीं कर लेते हैं, और अंटिल द एक्सपायरी, अब दोनों में से जो पहले आ जाए, और इसीलिए मैंने इसका क्या नाम दिया, स्विंग, राइट, जिससे कि पैसा अच्छा बने। अब यहां पे कहोगे सर सब सही है, फंड की रिक्वायरमेंट, तो इसमें फंड की रिक्वायरमेंट जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है 30,000-40,000 रुपए की होती है, बट कई बार इससे कम की भी रिक्वायरमेंट होती है। यानी 30,000-40,000 जो मैंने बताया है वो मैक्सिमम बताया है। अब यहां पर मैं आपको बताने वाला था कितने दिन के बाद साइडवेज मूव की कहानी होती है। तो अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट खुद से देखो, मैं तो कहूंगा किसी पे ट्रस्ट नहीं करो, मेरे पे भी ट्रस्ट नहीं करो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, मार्केट में 100 बार में 80 बार क्या हुआ है उसकी वैलिडिटी है, 20 बार की वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि पैसा उस 80 बार के हिसाब से बनता है। तो अभी आप देखोगे तो निफ्टी लगातार धुआंधार लगातार ऊपर जा रही है, राइट है, लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ देखोगे तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी काफी दिन साइडवेज भी हुई, एग्री, और रैली भी दी, दोनों कहानी। लेकिन अगर आप ओवरऑल 70-80% मूवमेंट पे ध्यान दोगे तो मोटा मोटा 3-4 दिन रैली करने के बाद, चाहे वो ऊपर की हो या नीचे की हो, मार्केट एक बार साइडवेज आता है, जो आपके सामने चार्ट पर प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। अब मुझे बताओ, जब चार्ट पे प्रॉपर तरीके से दिख रहा है कि 4-5 दिन के बाद साइडवेज आता है, 80% टाइम आपके सामने प्रूफ है ना, तो जब 80% टाइम मूव है तो आपको प्रूफ हो गया कि अभी की रैली क्या है, एक 20% के अकाउंट में है, जो कभी कभी होती है, ऑलवेज नहीं होती है। यहां पर एक चीज आपको ध्यान देने की है कि अगर प्रीमियम जो है सेलिंग ऑप्शन का 40-50 रुपए नीचे का है, तो जो बाइंग का हेज ऑप्शन है वो 5 रुपए या उससे नीचे वाले पे हम करते हैं, क्योंकि पहले कुछ और बताया था। तो ये प्रीमियम नीचे होने पर रूल अप्लाई होता है। अब आप कहोगे इसकी एक्यूरेसी क्या है या आप ये क्यों बता रहे हो, तो ऑप्शन सेलर की इसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी 66.7% होती है, और साइडवेज मार्केट में जो 4-5 दिन के बाद वाला होता है वहां पर 70% की एक्यूरेसी होती है, और वहां पर आपको हेल्प मिलता है बिल्डर टूल से। तो यहां पर अब हम चलते हैं उस टूल्स को देखने के लिए, और वो किस तरीके से काम करता है उस पे आते हैं। देखिए, निफ्टी में 4-5 दिन की रैली हो चुकी है, मींस हमें यहाँ एक साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगा, और अभी हाई बनाने के बाद मार्केट उस हाई को जो कि 21,835 के पास का, इसके ऊपर नहीं जा रहा है। हम यहाँ से 100 पॉइंट का एक कॉल सेल कर देंगे, मतलब हम 21,900 का कॉल सेल करेंगे। चलिए मैं आपको ऑप्स्ट्रा पर लेकर चलता हूँ और वहां दिखाता हूँ। देखिये, ये है ऑप्स्ट्रा पोर्टल है, यहाँ हमें लॉग इन करके रखा है, आप इसको लॉगिन कर लेंगे, फिर आप बिल्डर में जाएं, फिर यहाँ निफ्टी सेलेक्ट करें, फिर फ्यूचर की जगह ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ एक्सपायरी सेलेक्ट करनी है जो कि हम रिसेंट वाली सेलेक्ट करेंगे। अब जो तेजी के बाद निफ्टी में हाई बना था उससे 100 पॉइंट ऊपर का, मीन्स 21,900 का कॉल हम सेल करेंगे, तो चलिए उसको सेल कर देते हैं। बट मार्केट में थोड़ा वोलाटाइल हो तो हम क्या करें, क्योंकि हो सकता है ना वोलाटाइल, तो 50 पॉइंट और ऊपर का सेल कर देते हैं, जिससे अगर कल मार्केट थोड़ा और ऊपर गया तो हमारे पास एज रहेगा, बाकी 100 पॉइंट सही है जो आप हमेशा रख सकते हैं। तो हमने यहाँ 21,950 का स्ट्राइक प्राइस सर्च किया, फिर सेल बटन पर क्लिक करते हैं। अब देखिए
ये पी ऑफ ग्राफ है, इसमें हमें दिख रहा है कि मार्जिन 1,15,000 के करीब में लग रहा है, बट यहां अभी एक्यूरेसी 74% दिख रही है, प्रॉफिट 3,900 के करीब में दिख रहा है। अब इस मार्जिन का काम को कम करना है ना, तो इस मार्जिन को कम करने के लिए हम एक कॉल बाय करेंगे 10 से 12 रुपए का, और उसके लिए हमें चलना है ऑप्शन चेन में। तो ये देखिए ऑप्शन चेन का ऑप्शन आ रहा है। अब इसमें हम यहाँ 10 से 12 रुपए का कॉल काफी दूर का है, बट इतना भी दूर नहीं जाएंगे। इसमें अब हम यहाँ 10 से 12 रुपए का कॉल काफी दूर का है बट बहुत दूर का नहीं जाएंगे, क्योंकि कभी कभी इतना लिक्विडिटी का इशू हुआ तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटजी का टाइम कभी भी आ सकता है अप्लाई करने के लिए। अगर आप ऑप्शन में ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं तो आप बहुत दूर का नहीं लेंगे, जैसे आज मैं बहुत दूर वाला नहीं ले रहा हूँ, 22,250 का कॉल बाय कर लेंगे। याद रखिए क्वांटिटी और एक्सपायरी दोनों सेम रहेंगी। अब देखिए इसमें हमारा प्रॉफिट आ रहा है 2,682, मतलब जो कैपिटल लग रहा था उसका लगभग 8%, और जो मार्जिन लगा अब वो है उसमें 34,000 का। मीन्स अब आप रियल ट्रेड करेंगे तो इससे 5,000 से 6,000 रुपया ज्यादा लगेगा। अब इसमें आते हैं मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, तो 9,800। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं बन पा रहा है, तो भाई हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास है प्रोबेबिलिटी जो हमें ये कह रही है कि इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है। हम इस लॉस पर ध्यान नहीं रखेंगे, बस मैक्स प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी पे फोकस करेंगे। तो जैसा कि हमें ये प्रॉफिट मिलेगा हम एग्जिट कर लेंगे, और ये मैक्स प्रॉफिट ही हमारा एसएल, मींस जब 2600 के करीब में लॉस दिखेगा हम एग्जिट कर लेंगे। अब देखिए जैसे बताया गया हमेशा कि यहाँ 70% के करीब में हमेशा प्रॉबिलिटी मिलेगी, और जब मार्केट 4 से 5 दिन की रैली करके ऊपर जाता है तो हमें एक साइडवेज मार्केट देखने का चांस ज्यादा मिलता है, और सेलर के पास वैसे भी 67% की प्रॉबिलिटी ऑफ विनिंग है, तो हमारे पास प्रॉफिटेबल होने के फेवरेबल चांस है। सेलर जो रहते हैं वो 2 से 3% या 4% के प्रॉफिट के लिए लड़ते हैं, और हम यहाँ 8% के करीब मिल रहा है, और ये कभी कभी 10% का होता है। तो आप ये सोचोगे एक ट्रेड में 8 से 10% का मुनाफा, इससे बेहतर और कौन सा धंधा है। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे हमें मार्केट क्या मूव करेगा, क्योंकि अभी ये जहां चल रहा है और जो हाई है 21,800 के करीब का, इससे नीचे साइडवेज हुआ तो प्रॉफिट बनेगा। अब देखते हैं कि मंडे को क्या मूव आता है। तो आज 2 जनवरी को आपको ये दिख रहा है कि जो मैंने 29 दिसंबर को अप्लाई किया था एज पर रूल, और आज इसमें मॉर्निंग में 11 बजे 2147 का प्रॉफिट मिल रहा है। एक कॉल सेल किया था और एक बाय किया था, सेल करने पर हमें 1,15,000 का मार्जिन देना पड़ रहा था, तो इस मार्जिन को कम करने के लिए हमने एक कॉल बाय कर लिया था, इससे मार्जिन लगभग 40,000 रुपए के करीब में आ गया था जो आप सब चाहते हैं। जो सेल किया गया था वो 79 से 15 रुपीज तक आ गया है, और बाइंग वाला उसमें जो 25 का प्रीमियम था वो 4 रुपए पर आ गया है, बट इसमें हमें लॉस दिख रहा है, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो प्रॉफिट आ रहा है वो ही हमें देखना है, क्योंकि ये दोनों पोजीशन साथ में चलना है तभी हम सेफ रहेंगे और रिस्क कम रहेगा। इससे हमें मैक्स प्रॉफिट 2600 के करीब में प्रॉफिट शो हो रहा था, और जैसे ही मैक्स प्रॉफिट के करीब में प्रॉफिट दिखेगा उस टाइम हम एग्जिट कर लेंगे। जो बाय किया वो साइडवेज मार्केट में 0 हो जाएगा, बट जो सेल किया था वो मिलेगा हमें 79 - 25 = 54 रुपीज, तो ऑलमोस्ट मिलेंगे 50 × 54, तो जो भी रहा वो हमें मिला मोटा मोटा। तो 2600 रुपए का प्रॉफिट जो हमें मिला है मैक्स टू मैक्स हमें मिल सकता है, और अगर हम इसके आसपास आने पर एग्जिट कर लेंगे, बट हमें अगर लगता है कि इसमें हमें मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी तो हमें जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है इतने में ही हम एग्जिट कर सकते हैं, या तो जो मैक्स प्रॉफिट है उसके लिए थर्सडे तक वेट कर सकते हैं और आराम से एग्जिट कर सकते हैं। काफी अच्छी स्ट्रेटजी, अगर आप सही तरीके से यूज करेंगे तो काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आपने देखा कि निफ्टी में ये किस तरीके से काम करती है, बट बैंक निफ्टी के रूल रेगुलेशन अलग हैं, इस बात को भूलिएगा मत। और बैंक निफ्टी में क्या रूल रेगुलेशन है वो मैं सिखाने वाला हूँ 10 जनवरी के स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में। जिन लोगों ने इनरोल नहीं किया है न्यू ईयर महाधमाका ऑफर में 9708094311 पे कॉल कीजिए और इनरोल कीजिए, और साथ में वहां पर सीखेंगे प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, फ्यूचर और ऑप्शन की एक बेहतरीन क्लास, जहां पर सीख कर खुद के बॉस बन सकेंगे और कमा सकेंगे। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए।